मेलघाट एक महाराष्ट्र का पर्यटन स्थल है। यह अपनी खूबसूरत हरियाली घाटियों के लिए जाना जाता है। धूलघाट रेलवे और बाघ परियोजना इस पर्यटन स्थल का आकर्षण का केंद्र है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित मेलघाट एक बाघ वन्य जीव अभयारण्य है। मेलघाट टाइगर रिजर्व मध्य भारत में सातपुड़ा हिल रेंज के दक्षिणी तट पर स्थित है, जिसे गाविलगढ़ हिल कहा जाता है। यह नागपुर से 225 किलोमीटर पश्चिम में है। इसे 1967 में एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और 1974 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973-74 में अधिसूचित पहले 9 बाघ अभयारण्यों में से एक था, जो 1972 में भारत में बंगाल के बाघों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। बाघों के अलावा अन्य प्रमुख जानवर यहाँ पर है स्लॉथ बियर, भारतीय गौर, सांभर, हिरण, तेंदुआ, नीलगाय आदि लुप्त प्राय विलुप्त होने से वापस वन उल्लू मेलघाट विभिन्न क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। मेलघाट पर्यटन 4 केंद्रों गांवों में वितरित किया जाता है। सिमाडो, चिखलदरा, हरिसाल और शाहनूर। कोलमास में कुछ अतिरिक्त रहने की सुविधा है, जो सिमाडो से 14 किलोमीटर आगे है। चिखलदरा, सिमाडो, कोलकास, हरिसाल पहुंचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन अमरावती है। पर्यटक मेलघाट में सभी मौसम में आ सकते हैं, लेकिन जुलाई के महीने में मानसून में सबसे अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। सर्दियों में रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो ग्रीष्मकाल पशु देखने के लिए अच्छा समय है। मेलघाट में आवास की सुविधा ज्यादातर वन विभाग द्वारा चिखलदरा में होटल रिसोर्ट को छोड़कर चलाए जाते हैं, जो निजी द्वारा संचालित है। वन के वातावरण में जहाँ यह स्थिति है, वहाँ प्राकृतिक रूप से सुविधाएं आरामदायक और बुनियादी है। मेलघाट की खासियत यह है कि ट्रेन की रचना जो हिंदी के 4 का नंबर आकर बनाती है, लेकिन कुछ दिनों से चल रहे कोरोना महामारी के चलते यह पर्यटन स्थल बंद है। साथ ही कुछ समय पहले ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि कुछ प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री को इस पर्यटन स्थल को लेकर गलत जानकारी दी जा रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अभयारण्य की वजह से स्थानियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसे नकारते हुए विधायक राजकुमार पटेल ने स्पष्टीकरण दिया है कि उन्होंने कहा कि अजमेर काचीगुड़ा रेलवे लाइन मेलघाट जो बाघ परियोजना के बाद बंद होने का संदेह है। धूलघाट ये रेलवे रूट है, ब्रिटिश काल से यहाँ रेल शुरू है। अकोला, खंडवा, अजमेर, काचीगुड़ा एक्सप्रेस, इसको मीटर गेज के बाद अब ब्रॉड गेज रूप में रूपांतरित किया जा रहा है, लेकिन बुल्ढाणा के कुछ लोक प्रतिनिधि द्वारा मुख्यमंत्री को गलत जानकारी देकर यह रेलवे का रूट चेंज कर बुल्ढाणा जिले से लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इस रूट पर व्याघ्र प्रकल्प का एरिया होने से बाघों को खतरा होने की आशंका जताई जा रही है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, 150 साल पहले अजमेर काचीगुड़ा मीटर गेज की जो ट्रेन शुरू हुई है, और अब ब्रॉड गेज करने के समय आए हैं, तो इसमें राजकारण हो रहा है, मेलघाट की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए मेरी ऐसी विनती है कि टाइगर प्रोजेक्ट जरूर है, क्योंकि इसके सबसे पहले यहाँ पे ट्रेन पैदा हुआ है, उसके बाद में टाइगर प्रोजेक्ट पैदा हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि आपने यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट रेलवे चालू होने के बाद में अभी तक एक भी घटना नहीं हुई, एक भी जंगली जानवर की ट्रेन के चपेट में नहीं आए हैं, और आने वाले समय में भी नहीं आएगा। जनता की मांग है, आमदार इस नाते मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेलघाट के अंदर से काचीगुड़ा अजमेर ट्रेन चलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। हमारे वीसी पे चर्चा हुई थी, और उस समय मैंने कहा है कि जो अजमेर काचीगुड़ा एक्सप्रेस है जो टाइगर प्रोजेक्ट के बाहर से जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो टाइगर मेलघाट के अंदर से जाए, ऐसे मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। मीटर गेज ट्रेन थी और कई बरसों से हमारे मेलघाट के जंगलों में से होते हुए गुजरते हुए यह आकोट अकोला काचीगुड़ा अजमेर एक्सप्रेस के रूप में यह जाती थी। अजमेर काचीगुड़ा एक्सप्रेस मीनाक्षी एक्सप्रेस के रूप में यह ट्रेन चलती थी यहाँ से, और धारणी से करीब 20-22 किलोमीटर दूर डाबका स्टेशन है, रेलवे धूलघाट है। और एक सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात यह है कि दुर्बिण एंटिक्स 4 का जो हिंदी का जो 4 बनता है, वह 4 का आंकड़ा महाराष्ट्र में कहीं पर आपको रेलवे में दिखने को नहीं मिलेगा, वह 4 का आंकड़ा यह ट्रेन बनाती थी। मतलब हमारे लिए बहुत ही एक खुशी की बात थी कि, और लेकिन आज पिछले 5 साल पूर्व यह ट्रेन ब्रॉडगेज के रूप में रूपांतरित की जा रही करके इस मामले को लेकर यहाँ से वो ट्रेन बंद कर दी गई और ब्रॉडगेज का काम भी शुरू कर दिया गया। लेकिन
कुछ राजकारणी लोगों के और लोक प्रतिनिधि की वजह से, बुल्ढाना के कुछ लोक प्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री उद्धव राव जी, उद्धव जी ठाकरे इनको गलत मैसेज देकर, गलत जानकारी देकर बताया कि यह ट्रेन जो मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में से जा रही है आकोट अकोला तक के, तो इसमें से व्याघ्र प्रकल्प में जाने के बाद में व्याघ्र प्रकल्प के जो अधिवास में रहने वाले वन्य प्राणी है, शेर से लेकर तो बहुत से ऐसे वन्य प्राणी है, रीछ और असवल से असवल बायसन, ये इनको भी धोखा होगा। ऐसा एक पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री साहब ने रेलवे मिनिस्टर और केंद्रीय पर्यावरण मिनिस्टर इनको दिया है कि यह ट्रेन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में से लिया जाए, जबकि यह सरासर गलत है। पिछले कई वर्षों से यह ट्रेन शुरू है, आज तक कोई भी वन्य प्राणियों को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई है, उनके अधिवास को कभी कोई ईजा नहीं पहुंची है। ये सिर्फ एक नया और कुछ राजकारणी लोगों की वजह से यह ट्रेन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से लेके जाने का उनका पूरा प्रयास चल रहा है। लेकिन इस मामले में हमारे मेलघाट के विधायक जो है राजकुमार जी पटेल, उनका भी ये बुल्ढाना में से लेके जाने को विरोध है, कि उनका भी ये कहना है कि आज तक की कोई तकलीफ नहीं है, कोई बात को प्रॉब्लम लेकर नहीं हुई, लेकिन ये लेकर उधर से जाते हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। और इस बारे में उन्होंने सीएम साहब से बात भी की है। उसके साथ साथ में हमारी जो जिले की खासदार है नवनीत जी राणा, उन्होंने भी सेंट्रल मिनिस्टर जो रेलवे के हैं पीयूष गोयल साहब, उनसे भी उन्होंने बात की है और उन्होंने ये तक कहा है कि ये मेलघाट से ही ये ट्रेन जाएगी, मेलघाट के अलावा हम इसका राजकारण होने नहीं देंगे, ऐसा भी उन्होंने मेलघाट की जनता को बताया। और यह सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है, एक बड़ी मुश्किल से हमारे ट्रेन है मेलघाट के लिए, वह मेलघाट में से जाना चाहिए, यह पूरे मेलघाट की जनता की मांग है। यह पर्यटन स्थल अपने लुभावने दृश्य, घाट, अभयारण्य, ऐतिहासिक रेल रचना के लिए मशहूर है, साथ ही दूर दूर से लोग यहाँ अपना समय व्यतीत करने आते हैं। यहाँ के निवास मुख्यतः आदिवासी है, जिनमें अधिकतर कोरकू जनजाति 80% है और अन्य जैसे गोंड, निहाल, बलाई, गोलन, गवली, हल्बी, मंजारी, मराठा आदि है। सभी निवासी जलाऊ लकड़ी, चारा, औषधीय पौधा और फूल, गोंद और औषधीय पौधे जैसे गैर लकड़ी के वन उत्पादकों की घरेलू जरूरतों के लिए वन पर निर्भर है। इनकी आय का मुख्य स्रोत श्रम और बारिश के मौसम की कृषि है। वे महुली, फूल, बीज, चारोली, गमकुला, धवड़ा, तेंदुपत्ते और मुसली जो कि एक औषधीय पौधा है, जैसे गैर लकड़ी वन उत्पादकों को इकट्ठा करके अपनी आय में वृद्धि करते हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व में हवाई रेल मार्ग के साथ साथ सड़कों से भी पहुंचा जा सकता है। सबसे नजदीक एयरपोर्ट नागपुर है, जो लगभग 255 किलोमीटर है। सिमाडो मेलघाट टाइगर रिजर्व का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तीत में गांव है। निकटतम रेलवे स्टेशन मुंबई कोलकाता मार्ग पर मध्य रेल जोन से तीत बडनेरा है। बडनेरा से सिमाडो की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। मेलघाट के जंगलों के लिए अन्य उल्लेखनीय प्रवेश बिंदु हरिसाल और अकोट के माध्यम से है, जो अमरावती धारणी राज्य मार्ग संख्या 6 पर स्थित है, और अकोट हरिसाल स्टेट हाईवे नंबर क्रमशः 204 उत्तरी तरफ से निकटतम रेलवे स्टेशन खंडवा में है, जो 75 किलोमीटर की दूरी पर है। मेलघाट क्षेत्र के लगभग सभी गाँव को सड़कों से भी जोड़ा गया है, इसीलिए निष्पक्ष मौसम संचार में अतिरिक्त सड़कों पर आसानी से रोक दिया जाता है, जो या तो मुरुम या मिट्टी की सड़कें हैं। हालांकि बरसात के मौसम में इनमें से कुछ सड़कें बारिश के मौसम में ढह जाती है, इससे कुछ सड़कों पर चलने में मुश्किल होती है और परिणाम स्वरूप बारिश के मौसम में रिजर्व का कुछ हिस्सा दुर्गम हो जाता है। मेलघाट में वायरलेस नेटवर्क को समय समय पर मजबूत भी किया गया है। लॉकडाउन और कोरोना काल खत्म होते ही लोग यदि कहीं जाना चाहते हैं तो चिखलदरा मेलघाट जैसे पर्यटन स्थल के सुझाव बेहतर है, यहाँ आकर एक सुकून सा मिलेगा। NBCN न्यूज के लिए मेलघाट से राजेश मालविया के साथ दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट।